रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है तीन वेरिएंट के साथ, लेकिन इन तीन वेरिएंट में क्या आपको अंतर देखने को मिल जाता है, इसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, जिससे कि आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। इसमें जो तीन वेरिएंट है, एस्ट्रल, इंटरस्टेलर और एक ट्यूरर है जिसमें सेलेस्टियल आपको वेरिएंट मिल जाता है। तो यहाँ पे तीन वेरिएंट का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो ये सारी बातें आपको डिटेल बताते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले बेसिक पॉइंट कलर ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं कि तीनों में आपको क्या क्या कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो एस्ट्रल जो वेरिएंट है सबसे बेस वेरिएंट है, जिसमें आपको तीन कलर ऑप्शन मिलेगा, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन, और ये सिंगल टोन के साथ आती है। तो इंटरस्टेलर जो है ये आपको दो कलर ऑप्शन के साथ मिलेगा, जिसमें ग्रीन और ग्रे शामिल है, और इसमें डुअल टोन कलर दी गई है। तो इसका जो टॉप मॉडल है ट्यूरर, यहाँ पे आपको दो कलर मिल जाता है, जिसमें रेड और ब्लू शामिल है। तो ये आपको कलर ऑप्शन में डिफरेंस मिल जाते हैं, टोटल सात कलर ऑप्शन के साथ मिल जाएगी, लेकिन आपको सिंगल टोन और डुअल टोन का आपको कलर में डिफरेंस मिल जाता है, और कलर भी आपको अलग अलग देखने को मिल जाती है। बाकी ओवरऑल अगर आप डिजाइनिंग देखेंगे तो आपको एक ही जैसी देखने को मिल जाती है, थोड़े बहुत एलिमेंट और भी चेंजेस है, उसकी भी जानकारी आपको आगे देंगे। लेकिन इन सभी वेरिएंट में आपको कुछ चीज़ें कॉमन मिल जाती हैं, जैसे कि सभी में इंजन सेम दी गई है। सभी में आपको 648 सीसी का पायलट ट्विन फोर स्टॉक एयर ऑयल कूल्ड इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है, जो कि 47 पीएस का पावर और 52.3 एनएम का टॉर्क जेन करती है। सभी में 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है, और इसमें आपको थोड़ी सी अपडेटेड इंजन मिल जाती है, जैसे कि इंटरसेप्टर 650 मिलती है। सेम प्लेटफॉर्म पे ये भी है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी रिफाइंड और मैपिंग इसकी थोड़ी सी अलग हो चुकी है। इसके साथ इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम भी आपको अलग डिजाइनिंग की मिल जाती है, और थोड़ा सा अलग साउंड के साथ मिल जाएगा। फिन एग्जॉस्ट सिस्टम इसमें भी दी गई है। बाकी सस्पेंशन सेटअप आपको सभी में एक ही मिल जाते हैं, फ्रंट के साइड ऑफ साइड डाउन फॉर्क 43 mm, और रियर में ट्विन शॉक प्री लोड एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें सभी एक ही जैसी मिल जाती हैं सभी वेरिएंट में। टायर और ब्रेक्स भी तीनों वेरिएंट में सेम मिल जाती है, क्योंकि इसके फ्रंट में 100x90 का 19 इंच ट्यूबलेस टायर और रियर में 150x80 का 16 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाती है। यानी कि रियर के साइड थोड़े से छोटे और काफ़ी चौड़े टायर्स देखने को मिल जाते हैं सभी वेरिएंट में। ब्रेकिंग सिस्टम फ्रंट में 320 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 300 mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। डुअल चैनल ABS सभी वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ तक सारी चीज़ आपको सभी एक ही जैसी देखने को मिलती है। तो आखिर अंतर कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपको इसके फीचर्स में अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सबसे बेस वेरिएंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट थोड़ा सा अलग है। इंटरस्टेलर यहाँ पे सीट आपको एक जैसी मिल जाती है, लेकिन जो इसका ट्यूरर है जो टॉप मॉडल है यहाँ पे आपको सीट थोड़ा सा ट्यूरिंग सेगमेंट की मिल जाती है, जिससे कि आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं। तो इसके टॉप मॉडल में आपको विंड स्क्रीन भी देखने को मिल जाती है, काफ़ी बड़ी सी दी गई है, और यहाँ पे बैक रेस्ट भी दिया गया है। तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बेस वेरिएंट यानी कि एस्ट्रल और इंटरस्टेलर में देखने को नहीं मिलेगा, केवल इसके ट्यूरर वेरिएंट यानी कि सेलेस्टियल वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये बस आपको थोड़े बहुत ही अंतर देखने को मिलते हैं इनके वेरिएंट में। बाकी पहली बार आपको सुपर मीटियोर 650 में यानी कि रॉयल एनफील्ड के जो बाइक है यहाँ पे फुल्ली LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल रहा है। टेल लैम्प में भी LED लाइट लगा हुआ है, ये आपको सभी वेरिएंट में देखने को मिलेगा। डिजिटल एनालॉग मीटर और यहाँ तक कि ट्रिपर नेविगेशन तीनों वेरिएंट में आपको स्टैंडर्ड तौर पे मिल रही है। USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है तीनों वेरिएंट में, जहाँ से आप स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ पे इंजन किल स्विच मीटियोर 350 के स्टाइल में दिया गया है। तो ये सारी चीज़ आपको तीनों वेरिएंट मिलेगी, लेकिन इनकी प्राइसिंग है यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो बेस वेरिएंट है एस्ट्रल, इसका जो एक्सम प्राइस है 348,900 यानी 3,48,900 रुपये तक है। इंटरस्टेलर का जो एक्सम प्राइस है 363,900 यानी 3,63,900 रुपये तक है। तो इसका जो ट्यूरर वेरिएंट है टॉप मॉडल, उसका एक्सम प्राइस 378,900 यानी 3,78,900 रुपये तक है। यानी कि इनके सभी वेरिएंट के एक्सरूम प्राइस में 15,000 का फ़र्क आपको देखने को मिलता है। अगर आप बेस वेरिएंट के साथ ट्यूरर का कंपेयर करेंगे तो लगभग 30,000 का फ़र्क है। स्टेलर का इंटरस्टेलर के साथ देखेंगे तो 15,000 का फ़र्क है, और इंटरस्टेलर का ट्यूरर के साथ देखेंगे तो 15,000 का आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। और 15,000 का फ़र्क क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्यूरर में बस विंड स्क्रीन दे दी गई है और बैक रेस्ट देखने को मिल जाती है, कलर थोड़ा सा अलग मिल जाता है, और सीट भी थोड़ी सी अलग दी गई है, जिसके वजह से आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं ट्यूरर वेरिएंट के लिए। तो बस इन तीनों वेरिएंट में यही डिफरेंस देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर बात करें बुकिंग की, तो कंपनी ने इसका प्री बुकिंग स्टार्ट कर दिया है। डिलीवरी की अगर बात करें तो फरवरी से इसकी डिलीवरी कंपनी स्टार्ट करने वाली है। तो अगर आपको पसंद आती है तो आप प्री बुकिंग करा सकते हैं, डिलीवरी आपको फरवरी तक मिलेगी। तो इनके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो सबसे बेस वेरिएंट है उसके जो ऑन रोड प्राइस है लगभग 3,99,000 रुपीज़ यानी 3,99,000 रुपये तक चली जाती है। तो लगभग आपको 4,00,000 रुपये तक ऑन रोड प्राइस में आपको सबसे बेस वेरिएंट सुपर मीटियोर 650 का मिलेगा।
यहाँ पे मैंने आपको सभी वेरिएंट के बारे में जितनी भी जानकारी थी डिटेल में दे दिया है, लेकिन इस बाइक में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और सुपर मीटियोर 650 आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।